नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। शिवहर ब्यूरो अरुण कुमार साह की रिपोर्ट। घर में घुसा बाढ़ का पानी। जिला शिवहर पुरनहिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दोस्तिया दक्षिणी गांव में जहां पर आज उपेंद्र कुशवाहा का चाय का प्रोग्राम हुआ, उस गांव के लोग बांध पर रहने को मजबूर। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बांध के पास में रह रहे महादलित घर में घुसा बाढ़ का पानी। सोनेलाल मांझी, फूलमतिया देवी, लक्ष्मण मांझी, प्रसाद मांझी के अलावा दर्जनों घर में घुसा बाढ़ का पानी। अनुसूचित जाति के लोग बांध पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इस साल लगातार दो बार इन लोगों को घर में बाढ़ का पानी घुसा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार गुप्ता, सुनैना देवी, सीमा देवी ने किए सरकार से मुआवजे की मांग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील गुप्ता। आपकी क्या मांगे हैं, क्या समस्या है? समस्या है कि देख रहे हैं कि बाढ़ के पानी से दो साल से फसल खराब हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम गरीबों को मुआवजा मिले ताकि गरीब का घर चल सके। जी, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि यहाँ पर दो तीन रिंग बांध होनी चाहिए। आई नेताजी आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? यही कहेंगे कि आप अपने स्तर से यहाँ रिंग बांध बनवाइए ताकि कि गांव को नुकसान न हो। बांध के नीचे जी अपनी नहीं मांग बताया। मेरा मांग है कि दक्षिणी में सारा किसान को जमीन बागमती नदी काट चुका है और बहुत खतरा बांध का है। अपने नाम की होलक? लक्ष्मण। लक्ष्मण मांझी। अपने घर केना गिर गया? बारिश से बारिश गिर गया।